हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टोस्टी के टेस्टी किचन में। गर्मियां आ चुकी है, गर्मियों में और लॉकडाउन का टाइम है और आइसक्रीम खाने का तो जरूर मन करता होगा, लेकिन आइसक्रीम बनाए कैसे? तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी से मैं आज आपको आइसक्रीम बनाने सिखाऊंगी। और उसमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कॉर्नफ्लोर नहीं चाहिए, ना ही हमें दो बार ग्राइंडिंग की जरूरत है आपको। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये 3 केला लिया है, क्योंकि मैं आज बनाना आइसक्रीम बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने 3 केला लिया है। अब इस केले को आपको ये स्किन हटा देना है, ये स्किन हटा के ये हमें पतले पतले बारीक इस तरह से स्लाइस में काट लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें काटना है। इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर भी नहीं यूज किया है, ना ही कोई बिस्किट यूज किया है, ना ही कोई एसेंस यूज किया है, फिर भी हमारा ये जो आइसक्रीम है बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। ये देखिए, इस तरह से हमें ये काट लेना है और इसे अलग अलग इस तरह से डेकोरेट कर लेना है। हमें ये समझिए कि हमें डेकोरेट कर लेना है, इस तरह से डेकोरेट करना है, ये इस तरह से डेकोरेट कर लेना है। ये 3 केले का मैं बना रही हूँ, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये सारे केले को छील के इस तरह से अलग अलग डेकोरेट करके और हमें फ्रीजर में इसे 4 घंटे के लिए छोड़ना है। फ्रीजर में 4 घंटे के लिए मैं रेडी रखी हूँ, 4 घंटे मैं छोड़ के निकाल रही हूँ। देखिए वो किस तरह का आएगा, ये देखिए, ये इस तरह का टेक्सचर आएगा। और इसे जब आप है ना इस तरह से फ्रीजर से निकाल के इसे जब तोड़ेंगे ना आप, तो ये थोड़ा क्रंची सा टूटेगा आपका। ये इसको आप इस तरह से तोड़ेंगे तो ये क्रंची सा टूटेगा। तो अब हमें क्या करना है, और इसे 4 आवर्स रखना है, 4 आवर्स एकदम आपको रखना है इसे, उसके बाद ही ये थोड़ा सा क्रंची सा होगा। अगर नहीं हुआ है आपका, इसका मतलब आपका फ्रीजर में मतलब अच्छे से वो फ्रीज नहीं हो पाया। तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे, एक ग्राइंडर में डालेंगे। ये बनाना के अलावा हमें चाहिए, ये देखिए, ये मैंने 1 कप दूध लिया है, चीनी जो बहुत इम्पोर्टेंट है और कोई भी आइसक्रीम बनाने के लिए। उसके अलावा मैंने ये 2 डेयरी मिल्क लिया है। अब हम लोग ये क्या करेंगे, ये जो बनाना है ना इसे हम लोग ग्राइंडर में डालेंगे। तो ये मैं ग्राइंडर का जार ले ली हूँ और इसमें मैं ये सारा बनाना इसमें डाल दूंगी। ये मैं फ्रीजर में रखी थी ना, इसलिए थोड़ा सा नीचे से चिपक रहा है, सख्त हो गया है। तो इसे आपको नाइफ से हटा के इसमें डाल देना है। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, इसे आप घर पे जरूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप लाइक मेरे चैनल को जरूर करें। और आप अगर नए हो मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो मेरे नए वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये देखिए, ये मैंने सारा इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर, यानी चीनी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम मीठा पसंद है तो आप कम कर सकते हैं क्वांटिटी। उसके बाद मैं डालूंगी ये डेयरी मिल्क, ये जो डेयरी मिल्क है ना इसे मैं डालूंगी। ये 2 डालना है, ये 10-10 रुपए वाले जो आते हैं ना वही वाला रैपर आपको डालना है। इसमें 2 मैं डाली हूँ, आपको ज़्यादा क्रीमी चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। वैसे ज्यादा ऐड करने की जरूरत पड़ती नहीं है, आप 2 डालोगे वो सफिशियंट है आपका। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पहले थोड़ा सा दूध, अब फिर मैं इसे ग्राइंड करूंगी। ये एक बार पहली बार चलाने के बाद इस तरह का आया है, इसमें हमें थोड़ा और दूध चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा दूध और ऐड करूंगी और फिर से ग्राइंड करूंगी। ये कुछ इस तरह का बन के आएगा आपका ये पेस्ट जो है, देखिए कितना इस तरह का थिकनेस होना चाहिए आपका। ये जरूर ये आप देख ले, दूध की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस तरह का थिकनेस होना चाहिए आपका। फिर अब हम लोग लेंगे एक कंटेनर, ये मैंने लिया है कंटेनर, और इसको इसमें डाल देंगे हम लोग। ये देखिए, ये मैंने कंटेनर में रख लिया, बहुत ईजी है, आप घर पर जरूर ट्राई करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे जो है 12 आवर्स के लिए, यानी आप अगर शाम में बना रहे हैं तो फुल नाइट आप इसे रहने दें फ्रीजर में। ये मैं इसको बंद की और इसे 12 आवर्स के लिए मैं फ्रीजर में रखूंगी। ये देखिए, 12 घंटे बाद ये हमारा आइसक्रीम
रेडी हो चुका है। इससे पहले आप ये देखिए कि मैंने ये जो टेम्परेचर है पूरा हाई किया हुआ है, तो आप अपने फ्रिज का टेम्परेचर पूरा हाई कर दे, मतलब 7 ये हमारा लास्ट है, तो लास्ट पे ये कर दे, सबसे कोल्ड जिस पे होता है आपका वहाँ आप कर दे। उसके बाद आप लोग आप 12 आवर के लिए आइसक्रीम को इसमें रखें। उसके बाद फिर देखिए हमारा आइसक्रीम, मैं इससे निकाल लूँगी। 12 घंटे के बाद इस तरह की आइसक्रीम हमारी आएगी, देख लीजिए इस तरह का टेक्सचर है। और इसे आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप स्पून से इसे इस तरह से निकालें, या फिर आप इसे साइड साइड से ये निकाल के और इसे एक प्लेट पे ढक के और इसे नाइफ से आप कट करके निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं नाइफ से ये साइड से इसे कट कर दी हूँ, फिर आप इसमें इस तरह से लाइन बना सकते हैं और फिर इस तरह से काट सकते हैं, और ये इजीली आपका ये इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं स्पून से। ये देखिए ये कितना टेस्टी और यमी सा लग रहा है, और ये खाने में भी बिल्कुल बहुत टेस्टी है। ये इस तरह से आप सर्व करें, ये बनाना है इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे साइड से नाइफ से निकाल दें और इसे प्लेट पे निकाल लें और इसे कट करके इस तरह से आप कट कर सकते हैं, और इस तरह से आइसक्रीम आपका रेडी है। बनाना आइसक्रीम ये बहुत ही इजी और बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।